इतने सारे लोग आ गए। ऐसा नहीं तो खा के देख। अरे यार अजीत तो देखो बोटली में तो मालूम पड़े आगे मालूम ने रेडी काट रहा हूँ श्री गणेशाय नमः। अरे यार अभी तो छोड़ो यार सब लोगों का यहाँ पे आने के लिए और हमें इनकरेज करने के लिए और प्रदीप जी और कल्याणी जी को ये नए बिजनेस वेंचर में इतना मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। वी डोंट टेक इट लाइटली एंड वी रियली सिंसियरली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। और खास करके HBCL से जो आए हैं पवस जी और अमित जी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने बिजी स्केड्यूल में और खास करके कृष्णाष्टमी के इतने अच्छे दिन में ये लोग हमारे साथ ये इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए। थैंक यू सर। सो वी वुड लाइक ईच ऑफ द गेस्ट सिटिंग ऑन द टेबल टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस बिजनेस एंड कैसे हमने ये शुरू किया और क्यों शुरू किया और क्या पोटेंशियल है इस बिजनेस का। तो सबसे पहले मैं पवस जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ बात करें। जिन्होंने HPCL को अपने बराबर एनर्जी वाला समझा। ये जो DDD है डोर डिलीवरी जिसको कहते हैं तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली इट शुड बी रूटेड बैक टू द हिस्ट्री ऑफ आवर ओन कंट्री जहाँ हम बिलोंग करते हैं जो सनातन धर्म कहा जाता है। ऐसा मेरे दिल से निकल रहा है तो मैं शेयर कर रहा हूँ कि अतिथि देवो भव अतिथि को उठना भी ना पड़े इनफैक्ट उसको कहना भी ना पड़े जैसे ही उसके दिमाग में अगर कोई चीज आए तो हम उसको मुहैया कराते हैं हम उसको मौके पर मौजूद कराते हैं। तो ये सभ्यता हमारी रही है हमेशा और तो उसी की गति में और उसी के डायरेक्शन में ये एक और कदम है कि डीजल उसे मेरे पास आ करके क्यों लेना पड़ता है वो मेरा कस्टमर है वो मेरा अतिथि है और मेरी देनदारी बनती है उसको उसके दिमाग में उसके ख्याल में अगर ये विचार आए कि यार मुझे डीजल चाहिए है तो उसे आना ना पड़े मैं खुद लेकर के उसके पास पहुंचूं। और मेरी समझ में गो फ्यूल्स की तरफ से जो ये इन्होंने लॉन्च किया है बाउजल्स ये वही सनातन भारतीय सभ्यता का एक प्रतीक है एक उदाहरण है। और एज फार एज industry as a whole is concerned with regards to petrol and diesel actually we always aimed at doing so because agar aap usko facilities aur convenience ke sath mein muhayya nahi karaoge ek jaise mujhe apne bachpan ka yaad hai pradeep ji ki main adding to what Pavas sir has shared about this venture इसके अलावा जो सर ने बताया इसमें टेक्नोलॉजी भी काफी इंक्लूडेड है जिसके कारण एक नोशन जो जनरली कस्टमर्स के दिमाग में रहता है छोटा सा शब्द है चोरी कि हमें जो प्रोडक्ट पेट्रोल पंप से मिल रहा है वो कम तो नहीं है और प्योर है या नहीं है। तो इस चीज का खास ध्यान रखते हुए आई एम श्योर गो फ्यूल ने जो टेक्नोलॉजी एम्बेड करी है अपनी बाउजर फैसिलिटी में वो कस्टमर को एश्योर करेगी कि जो भी प्रोडक्ट उसके प्रिमाइसेस में पहुंचा है जो उसकी हैवी मशीनरी को जो उसके व्हीकल्स को फीड करेगा वो बिल्कुल प्योर है और पूरा है। हर बाउजर में जो टेक्नोलॉजी है वो इतने हद तक
हेल्प करती है कि जो कस्टमर है उसको किसी को फोन नहीं करना पड़ता है कि मुझे आज डीजल चाहिए। ऐप बेस्ड टेक्नोलॉजी है, वो ऐप में ही इंडेंट या अपनी रिक्वायरमेंट फीड करता है कि मुझे इतना रिक्वायरमेंट डीजल का रहेगा। वो रिक्वायरमेंट जो है वो रावत एनर्जीज के पास जाएगी, रावत एनर्जीज जो है उसको अप्रूव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और इनका ब्राउजर जो है वो प्रोडक्ट किसी भी पेट्रोल पंप से जहां पे उसको भरने की फैसिलिटी इंस्टॉल्ड है वहां से वो प्रोडक्ट भरेगा। जैसे ही भरेगा, जिस कस्टमर के पास जाएगा उसको नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी का इस जगह से फिल हो रहा है, अब फिल हो चुका है। सेम नोटिफिकेशन रावत एनर्जीज के पास जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर इनके ब्राउजर मुंबई में चल रहे हैं तो इनको ई कैन नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट एट एवरी साइट, हर गाड़ी के साथ फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह सकते। साइट बाय साइट कस्टमर को जाएगा और वो उस गाड़ी को ट्रैक भी कर सकता है कि मेरी गाड़ी एट दिस पॉइंट इन टाइम कहां पे है जो मुझे डिलीवर डीजल करेगी। तो जब उसके पंप पे पहुंचे कि ही कैन वेरी वेल चेक द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, उसकी भी सुविधा रहती है। डीजल के लिए डेंसिटी और मेजरिंग करने के लिए 5 लीटर मेजर का जार रहता है जिसमें वो क्वांटिटी चेक कर सकता है कि एग्जैक्ट क्वांटिटी उसको डिलीवर हुई है कि नहीं। सो ये जो चीजें मैंने 5 मिनट में बताई, अगर इन चीजों को पूरा करके कस्टमर पूरी तरह एश्योर्ड है कि मेरे को रावत एनर्जी और गो फ्यूल के इनिशिएटिव के थ्रू पूरा प्रोडक्ट और प्योर प्रोडक्ट मिला है, एंड आई थिंक देन वी हैव सक्सीडेड वेयर वी वांटेड टू बी। एंड आई वंस अगेन कंग्रेचुलेट रावत एनर्जी एंड गो फ्यूल टीम टू ब्रिंग दिस नाइस इनिशिएटिव for the customers of Mumbai and probably Navi Mumbai also in the times to come. And I am thankful to them for inviting us. Good afternoon, everybody. Actually, इस फील्ड में बहुत ही नई हूँ मैं, और इस गो फ्यूल के बारे में मैं जितना जानती हूँ ये सबने बोल चुके हैं, तो मेरे पास कुछ टॉपिक नहीं है। बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गो फ्यूल के साथ मिलके काम करने के लिए। मैं अपना 100% दूंगी और देखते कैसा चलेगा, एंड विश मी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। दरअसल हम सब एक पेंडेमिक से गुजरे हैं, जो मेरा अपना पॉइंट है यहाँ पे कि कैसे ये होम डिलीवरी वाला सिस्टम सडनली सबके जहन में आया है और काम भी कर रहा है। तो इस पेंडेमिक ने हमें कुछ अच्छी चीज़ें भी सिखाई हैं कि हम सब लोग घर में बैठ के ही बाहर की चीज़ों को फ़ोन के क्लिक पे हासिल करना तरीके से हम सब सीखे हैं इस पेंडेमिक से। तो उसी सिलसिले में शायद ये गो फ्यूल ने इतना आगे कदम बढ़ा के, जैसे श्रीवास्तव जी ने कहा कि इतने अरसे से पेट्रोल कंपनियां कोशिश कर रही थी कि एक सेफ जरिया मिले जिसे इस किस्म का एक्सप्लोजिव और हाईली रिस्क एलिमेंट घर तक पहुँच पाए, तो वो आई एम प्राउड ऑफ इट कि हमारे गो फ्यूल ने उस दिशा में कदम बढ़ाया और हम उस कदम को डगमगाने नहीं देंगे। ये रावत एनर्जीज इनको अश्योर करता है कि हमारी सर्विसेज भी उनके इरादों को और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी। बाकी तो टेक्निकली तो HPCL के अधिकारियों ने जितना अच्छी तरह से खूबी से बताया वो हम क्या बता पाएंगे। बस हम इनकी आशाओं पे पूरी उतरे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमें सद्बुद्धि और ताकत हमेशा देता रहे। धन्यवाद। थैंक यू। गो फ्यूल का रावत एनर्जीज और HPCL के साथ कोलैबोरेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे हुआ है, अगर उस बारे में कुछ बता पाए हमारी ऑडियंस को। मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी खुशकिस्मती ही कामयाब हुई है, किस्मत की वजह से कामयाब हुए हैं, क्योंकि इस किस्म का कंसेप्ट हमने कहीं काम करते हुए देखा है नहीं। तो मुझे लगता है कल्याणी जी काफी रिसर्च माइंडेड हैं और एपिडेमिक ने और कोरोना ने घर बैठ के कुछ करने के लिए
हमें सिखाया भी है हम सबको, तो उसी के तहत इन्होंने रिसर्च करते करते अचानक एक दिन इनका ध्यान गो फ्यूल पे गया, फिर इन्हें लगा कि ये एक काफ़ी कामयाब और काफ़ी सुरक्षित और काफ़ी एक्चुअली इसमें उतनी ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत भी नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। जो भी हमारी चीज़ वही है, ये एज अ हाउसवाइफ मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो मुझे वो टाइम पे मैं फ्रेंचाइजेस लेना चाहती हूँ, कुछ देख सी रही सब एंड पेंडेमिक में कुछ एज अ वीमेन लाइक फैशन डिजाइनिंग हो गया, पार्लर्स हो गए, ये सब चीज़ों में जा रही थी एंड पेंडेमिक में सब ने सीख लिया घर पर ही करने का, सो मैं उस लाइन को तो मैंने साइड पर रख दी, ये चाहिए ही नहीं। तो मुझे ऐसा देखते देखते ये गो फ्यूल मुझे एक किसी ने बोला, तो मुझे इमीडिएट मतलब उसके अलावा वो देखने के बाद मुझे ऐसा स्ट्राइक हो गया, एक तो मुझे एज अ हाउसवाइफ मैं फुल टाइम नहीं दे पाऊंगी एंड मैन पावर भी इतनी ज़रूरत नहीं है इसके लिए। सबसे बड़ा कोई भी बिजनेस है, सबसे बड़ा टास्क हैंडल करना इज लाइक मैन पावर को हैंडल करना। सो इस बिजनेस में मुझे बहुत ये चीज़ अच्छा लगा, मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही हैंडल कर सकती हूँ, ऐसा मुझे बहुत कॉन्फिडेंट आया इसके लिए। एंड ये डोर स्टेप्स में कन्वीनियंस बिजनेस में तो यही बढ़ रहा आजकल सब चीजें, जैसे एक्चुअली हम वेमेन भी जाके बाहर जाके जो शॉपिंग करते हैं या मॉल्स जाते हैं, सब कुछ बंद हो गए, सब कन्वीनियंट होके घर पे ही ऑर्डर कर लिया, तो ये भी मुझे लगा कि इसके भी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, इसीलिए इस बिजनेस को मैं करना चाहती हूँ। राइट मैम, आपको लगता है कि और भी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है वो भी इंस्पायर होंगे आपसे जो आपने इनिशिएटिव लिया है? मैं कहूँगा जरूर जरूर होंगे इसमें, जरूर होंगे, और मैं चाहती हूँ भी और भी आए इस फील्ड में, करें इसको आगे बढ़ के। और एक लिंक और हमें मिला कि ये गो फ्यूल जो है वो चेन्नई बेस्ड कंपनी है एंड मेरा काफी सालों से फिल्मों के दौरान नाता रहा है साउथ की, अलग अलग तीन चार भाषाओं में काफी सारा फिल्में की हैं, तो आदित्य भाई हमें तेलुगु मिल गए, जो दूसरे इनके अधिकारी हैं या जो होल्डर्स हैं वो तमिल हैं, तो उनके साथ भी बड़ा कम और ये सब हो गया, तो बड़ा हमें भी भरोसा भी हो गया उनके ऊपर। तो कल्याणी कैन स्पीक एंड शी इज फ्रॉम बिलोंग्स टू साउथ, तो बड़ा अपनापन और बड़ा विश्वास मिल गया, तो हम लोग इस क्योंकि हमें तो कोई जानकारी है नहीं इस किस्म की बिजनेस की, तो पर इन पे भरोसा हुआ, इनकी कंपनी पे भरोसा हुआ और इन्होंने जो दिखाया कि क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, वही सबसे बड़ा, वही से शुरुआत होगी। आदित्य जी आपसे जानना चाहूंगा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर ये ऐप उन तक पहुंचाने के लिए क्या क्या प्लान है, अगर उस बारे में कुछ बताया, और कितने ब्रांचेस है गो फ्यूल का, अगर उस बारे में भी कुछ बता पाए। First off, thanks to the media for coming to the event and जो हम GoFuel अभी जो company है हम चेन्नई से हमने शुरुआत किया, we started in February 2021 और उसके बाद we've established in quite a few regions in the south, हमने हैदराबाद में establish किया है, बैंगलोर में we do a lot of deliveries and then now we're expanding into other regions like Mumbai is one and then we're also getting into the northeast in Guwahati. We're getting into Salem, we're getting into Vijayawada. So in the next 4 months, we have plans to, spread our wings across these geographies. और रही बात customers को कैसे attract करने की, I think this is one such initiative, इसीलिए हम launch कर रहे हैं, इसीलिए हमने media को यहाँ पे invite किया है, ताकि लोग जाने कि ऐसा एक concept अभी Mumbai में आया है और people can start ordering it. And secondly, हमारा एक ardent social media team है, वो कॉन्स्टेंटली वर्किंग, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया का मार्केटिंग काफ़ी हद तक चल रहा है और बहुत लोग वो वाले कॉन्टेंट को ज़्यादा देखते हैं ऑन अ मोर रेगुलर बेसिस, तो एक सोशल मीडिया मार्केटिंग ड्राइव हम शुरू करेंगे, जो भी सिटी में हम लॉन्च करते हैं एटलीस्ट वन वीक बिफोर द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ फंक्शनल ऑपरेशन वी डू अ सोशल मीडिया कैंपेन एंड दैट विल गो ऑन थ्रू आउट द ईयर कस्टमर्स को आने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर ऑल्सो वेरियस लाइक ऑन बल्क ऑर्डर्स देर आर डिस्काउंट्स और देर आर बोनसेस और देर आर लॉयल्टी पॉइंट्स गिवन टू कस्टमर्स, ताकि हम ये एक क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं कि एक इकोसिस्टम बन जाए। जैसे कि आप देखोगे कि अगर आप कोई स्विगी के अंदर या फिर एक बिग बास्केट के अंदर या फिर एक अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अंदर आप एक बार घुस गए तो वो आपको वहीं पे रखते हैं, कैसे
बोनस पॉइंट्स देंगे, आपको ऑफर्स देंगे, डिस्काउंट्स देंगे. सो गोफ्यूल इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम इन सच अ मैनर दैट एक बार आप कस्टमर बनकर रजिस्टर हो गए तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इफ यू कंटिन्यू एज अ कस्टमर. और इसी से जुड़ा एक सवाल है कि क्या चार्जेस होंगे, जैसे आपने नाम लिया स्विगी जोमेटो, वो लोग डिलीवरी के चार्जेस देते हैं, तो क्या उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे चार्जेस या फिर एक्सक्लूडेड होंगे, अगर उस बारे में कुछ बताएं आप हमारे. सी दैट इज अ बिजनेस कॉल. जब हमने शुरू किया था ये बिजनेस चेन्नई में, वी ओनली डिड इट फॉर बल्क डिलीवरीज ऑफ डीजल, हायर क्वांटिटीज, वेयर दैट्स अबाउट मे बी 4000 5000 6000 समटाइम्स मोर देन दैट. तो जब उस लेवल पे क्वांटिटी का ऑर्डर हो रहा है तो वहां पे हम जीरो डिलीवरी फी चार्ज करते हैं, बिकॉज वी काइंड ऑफ मेक आवर मार्जिन्स, इट मेक्स बिजनेस सेंस. और तब हम जो पेट्रोल पंप में रेट है उसी रेट पे हम कस्टमर्स को डिलीवर कर लेते हैं. लेकिन अगर स्मॉल क्वांटिटी ऑर्डर्स रहा, इट्स वेरी सिंपल सेंस, इट इज बेसिकली योर मार्जिन वर्सेस द कॉस्ट. अगर हम इतने बड़ी गाड़ी को वहां पे पहुंचा लेके जाके वहां पे करना है तो वी हैव एन ऑपरेटिंग कॉस्ट, हमारा ड्राइवर का खर्चा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, अगर वो कवर नहीं हो रहा है, सो फॉर स्मॉलर क्वांटिटीज देयर विल बी एन एडिशनल डिलीवरी फी, बट मोस्टली फॉर हायर क्वांटिटीज वी विल नॉट चार्ज एनी डिलीवरी. राइट. ऑल्सो जब फ्यूल की बात आती है तो सेफ्टी की बात सबसे पहले आती है, तो सेफ्टी को लेके क्या क्या प्रिकॉशंस आप लोगों ने रखे हैं, क्योंकि फ्यूल को डिलीवरी करना तो ऑन रोड लेके जाना थोड़ा सा मतलब रिस्की हो सकता है, तो उसको लेके क्या क्या प्रिकॉशंस आप लोगों ने लिए, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें. जैसे HPCL के पवन जी ने अभी बोला है, तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट लेके अगर हमें रोड पे आना है तो वी नीड देन अप्रूवल ऑफ PESO, विच इज पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन. तो उनके अप्रूवल के बिना एक गाड़ी रोड पे चलेगी भी नहीं. तो वो इस तरह से वो गाड़ी का पूरा मॉनिटरिंग करते हैं और रादर चेक्स करते हैं कि देर इज नो स्पिलेज possible and there is no there is no way where a fire can get in or any accident can happen as long as the fuel is being transported in a closed truck. So it is completely safety tested and approved by a government organization like PESO, and only then the vehicle is allowed to carry fuel on the road. Aur iske alawa through GoFuel we have kept sensors. So jaise ki hame tank ke andar ek sensor hai, cabin ke andar ek sensor hai, जो अगर whichever the franchisees or GoFuel, you can monitor the quality of fuel or the quantity of fuel inside the tank. You can even check whether the truck is moving, at what speed the truck is moving, कहीं पे ज़्यादा time रुक गया है कि नहीं, delivery कर रहा है कि नहीं. So there is a whole lot of technology wherein you can monitor the truck. So one is the technology aspect and second is the PESO aspect. So these two together make the truck a very safe way to transport these. And why only diesel? Why not petrol? Well, diesel and kerosene are grade B fuels. So as of now, government has given approval only for mobile transportation of grade B. So petroleum comes under grade A, which means extremely highly inflammable. True. So uske liye abhi government ne approval nahi diya hai. So maybe looking at the convenience wave, jo sab log cheezon ko conveniently chahiye, maybe petrol will open up and we are in the energy space. हमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि only diesel deliver करेंगे. We can deliver anything as long as it is legally approved by the government. We are open. So customers के लिए कितना easy to use होगा, और कौन से customers के लिए, मतलब क्या सिर्फ small customers को आप लोग target कर रहे हो, अगर उस बारे में कुछ बताएं. See majority ये business इनके लिए होगा जिनको bulk diesel चाहिए होगा, जैसे manufacturing plants हो गए, transport companies हो गए, मॉल्स हो गए, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हो गए, स्कूल्स, सो हु नीड बल्क डीजल फॉर देयर जनरेटर्स और फॉर देयर मशीनरीज और फॉर देयर यू नो बिग ट्रांसपोर्टेशन डिवाइसेस, तो उनके लिए दिस विल बी अ मेजर बून. बिकॉज नॉर्मली मैंने अभी अभी देखा है, रिसेंटली व्हेन आई वेंट टू होसूर, देयर वाज वन क्वारी ओनर हु वाज कंप्लेनिंग टू मी दैट सर मेरा दिन में 6 घंटा पेट्रोल पंप में मेरे गाड़ी को मैं खड़ा करता हूँ. अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरी गाड़ियाँ पूरी लाइन लगती है, तभी जाके मेरी गाड़ियाँ फिल होती है. सो दैट इज ऑल अनप्रोडक्टिव वर्क आवर्स पर. सो फॉर दैट गाय GoFuel वाज अ बून, बिकॉज़ ही सेड सर आई विल बी मोर देन ग्लैड, आप एक गाड़ी हमारे लिए रख दो, डेली हमें 10,000 लीटर का रिक्वायरमेंट है. Right. So those 6 hours is whenever the vehicle is unproductive, he doesn't have to wait. So he can just keep filling it because we can allocate a vehicle and he can order it. Aur GoFuel ke app mein aur ek advantage hai ki you can schedule your order.
ओला में यू कैन बुक लेटर, आप स्केड्यूल कर सकते हो कि इस टाइम पे मुझे डिलीवरी चाहिए. ऐसे हमारे ऐप पे भी आप एक टाइमिंग, फॉर एग्जांपल अगर आपको एवरी ऑल्टरनेट डे आपको एक 10,000 लीटर चाहिए तो वो भी आप स्केड्यूल कर सकते हैं. राइट, तो सो दीज आर द काइंड ऑफ कस्टमर्स. एंड फॉर स्मॉल कस्टमर्स और फॉर स्मॉलर क्वान्टिटी कस्टमर्स वी हैव अनदर ऑप्शन, वी हैव अ जेरी कैन ऑप्शन, जो कि अगेन वो पैसो अप्रूवल के साथ ही है. इट इज नॉट जस्ट एनी अदर कैन, it is a can which is approved by PESO for the, again the transportation of fuel in smaller quantities. to us pe bhi humne kya kiya hai, technology ko joda hai uske sath. so what we've done is there is a biometric which is a fingerprint and an OTP option. to wo can 20 liter 30 liter 40 liter ka can ho sakta hai, but uske upar bhi ek biometric ka lock hota hai ya customer ka OTP ka ek lock hota hai. to wo lock jab customer order karta hai, the can is delivered to them. कस्टमर अगर ऑलरेडी उसका फिंगरप्रिंट हमारे ऐप में है तो ओनली हिज फिंगरप्रिंट के साथ या कस्टमर के ओटीपी के साथ वो कैन का लॉक खुलेगा. सो देयर इज नो वे दैट यू नो द गाय हु इज डिलीवरिंग कैन डू एनी एडल्टरेशन और एनी पिल्फरेज इवन इन द स्मॉल जेरी कैन. सो फॉर स्मॉलर क्वांटिटी ऑर्डर्स वी विल डिलीवर इट थ्रू जेरी कैन, जस्ट लाइक अ स्विगी गाय कैरीज द फूड ऑन अ बाइक. वी हैव आवर बाइक डिलीवरी सिस्टम एज वेल, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक जो हमारा गोजैप करके कंपनी है वहां से हमारी इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम विल सपोर्ट दिस. कौन से कौन से कंपनीज है टाई अप? सो अली में यही है कि इन टर्म्स ऑफ लाइसेंसेस इसमें दो चीजें जरूरी होती है. एक तो है हमारा पैसो लाइसेंस टू ट्रांसपोर्ट एनी काइंड ऑफ फ्यूल, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टू सेल फ्यूल. हूज फ्यूल आर वी गोइंग टू सेल? सो फॉर दैट वी हैव टेकन licenses from actually all the three marketing oil marketing companies, हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम, तीनों के licenses हमारे पास हैं. Having said that, in Bombay, because of the extremely amazing support that we are receiving from हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हमारे जो भी गाड़ियां हैं ज्यादातर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ अभी हम जुड़े हुए हैं. तो उस सपोर्ट, because of that good support, here also we are starting off our vehicles with हिंदुस्तान पेट्रोलियम. कितने व्हीकल्स लॉन्च हो रहे हैं इधर? सर अभी तो एक ही व्हीकल यहाँ पे लॉन्च हो रहा है. वी वांट टू सी, बिकॉज़ आई ऑलवेज टोल्ड प्रदीप जी एंड कल्याणी जी दैट लुक एट यूटिलाइजिंग द व्हीकल फर्स्ट, अंडरस्टैंड द मार्केट, बिकॉज़ दे वांटेड टू लॉन्च इट इन अ बिग वे. दे सेड वी विल लॉन्च क्वाइट अ फ्यू व्हीकल्स, देन वी सेड लेट्स टेक इट स्लो. जैसे आप जानते हो कि वी आर फ्रॉम द साउथ ऑफ इंडिया, सो वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ कंजर्वेटिव माइंडसेट. So we said, let's start small with one truck. We'll see the response and then we will slowly increase our numbers.